पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। ये जानकारी सामने आने के पहले से ही गोदी मीडिया मोदी की तारीफ में 18-18 घंटे चिल्ला रहा था। ऐसे में आरटीआई के जवाब में ये सामने आना कि मोदी ने आज तक एक छुट्टी ही नहीं ली, मोदी प्रशंसकों के लिए उनकी तारीफ का एक अच्छा जरिया बन गया था। गोदी मीडिया और भाजपा के नेता मोदी की तारीफ में इस खबर को आधार बनाकर जमकर शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी के चापलूसों की खिंचाई करने वाले लोगों ने तगड़ा सवाल उठा दिया है। कहा है, मोदी जब बीजेपी का प्रचार करने अलग अलग राज्यों में 15-20 दिन के लिए जाते थे तो वो क्या बिना छुट्टी लिए ही जा रहे थे? या बीजेपी का प्रचार भी प्रधानमंत्री का कार्य माना जाएगा? जब डिस्कवरी चैनल के लिए मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के लिए गए थे तो वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय की ड्यूटी निभाने गए थे। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने संसद के सत्र में सबसे कम उपस्थित रहे। संसद में अनुपस्थित रहना भी क्या 18 घंटे कार्य करने की श्रेणी में आ जाएगा क्या? हालांकि इन सब तथ्यात्मक सवालों के इतर आरटीआई के जवाब में आई इस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। लेकिन वहीं पीएम के समर्थकों की तारीफ के इस खबर को लोगों ने दकियानूसी बताया है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा है, असल में जनप्रतिनिधियों के लिए छुट्टी का ना कोई प्रावधान है और ना ही जरूरत। उन्हें ना कहीं से छुट्टी लेनी होती है, ना कहीं हाजिरी लगती है। पीएम छोड़िए, आपके क्षेत्र का सभासद भी एक दिन छुट्टी नहीं लेता। चाहे तो आरटीआई लगाकर पूछ लें, जवाब यही मिलेगा। नीरज कुमार कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को छुट्टी लेने के लिए कहां आवेदन करना होगा मुझे पता ही नहीं है। कौन उनको छुट्टी स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकता है ये भी बताएं। वैसे लोकसभा में तो वो सबसे ज्यादा छुट्टियां मानने वालों में से हैं। स्वतंत्र पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने कहा, जनप्रतिनिधि बार में रहें या कार में रहें, सरकार में रहें, उनकी प्रेजेंटी एब्सेंटी किसी रजिस्टर में नहीं लगती। फिर मोदी जी ने 9 साल में कोई छुट्टी नहीं ली, ये डाटा कैसे निकाल लिया गया? इतने निम्न स्तर के प्रोपेगेंडा की क्या जरूरत थी? प्रधान पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई जनप्रतिनिधि या प्रेजेंट एब्सेंट का रजिस्टर होता ही नहीं है। तथ्य से बात करनी है तो संसद की हाजिरी दिखा दीजिए। अतुल चौरसिया ने कहा, इस आरटीआई के जरिए यह स्थापित हो गया कि प्रधानमंत्री ने बीते 9 सालों में भाजपा के लिए जो सैकड़ों चुनावी सभाएं रैलियां की, वह उनके प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी का हिस्सा है। ये रोचक तथ्य है। प्रियंका कक्कर ने डिस्कवरी चैनल के लिए शूट किए गए पीएम मोदी के प्रोग्राम की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, ये छुट्टी मानी जाएगी या नहीं? वहीं पीएम मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में किए गए अलग अलग राज्यों में हफ्तों भर के चुनाव प्रचार के तथ्यों को शेयर करते हुए सवाल उठाया है। कहा है, भाजपा का प्रचार करना कब से प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्य हो गया? गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।